हेलो फ्रेंड्स देखिए हम बात करने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड कल मार्केट में क्या होगा तो आप जैसे कि देख सकते हैं मार्केट में दो है जो ओके okay, उसी की बेसिस पे मार्केट मोस्टली चलती हुई नजर आती है क्योंकि आप देखेंगे मार्केट का पैटर्न डो जोन्स देख लीजिए साथ में अगर मैं आपको आ, निफ्टी का पैटर्न दिखाऊं ओके okay, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें काम करती हुई नजर आती है मैक्सिम चार्ट पैटर्न एक बार ले लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है इसी तरीके से यहाँ पर डो जोन्स भी भागता हुआ दिखाई दे रहा है तो मार्केट उसी तरीके से ऑब्वियसली बात है चलती हुई दिखाई देती है तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि हमारा जो मार्केट है उस पर पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है अमेरिकन बाजार का तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर एनालिसिस की जाती है बट यहाँ पर अमेरिकन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब वीडियोस बनाई थी जब मार्केट में गिरावट हुई थी तो मैं आपको बताया था कि लगातार चीजें तो नीचे नहीं आती और लगातार चीजें कोई ऊपर नहीं जाती जब इस तरीके से चीजें गिर रही थी तो काफी बार ऊपर आया था मार्केट तो इसी तरीके से और फिर भी लग रहा था आप यहां पर हम खरीद सकते हैं बट मार्केट के लिए <coughs> और अब क्या हो रहा है कि लगातार मार्केट ऊपर गई बट इसके बाद एक बड़ा गैप अप यहां पर आता हुआ दिखाई दिया बट यहां पर देखिए सपोर्ट के पास आके टच करके ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है तो जो ये अपकमिंग वीक है यहाँ पर लास्ट वीक में लगातार गिरावट हुई है बट यहाँ पर अब तेजी होती हुई दिखाई देगी ओके दोबारा यहाँ पर कोशिश होगी यहाँ पर ये लेवल को क्रॉस करने की और शायद इस लेवल पे डोजोन जाता हुआ दिखाई दिया देगा तो यहाँ पर कल हमारा मार्केट क्या ट्रीट करेगा तो हमारा मार्केट इसके बेसिस पे ट्रीट कर सकता है तो मार्केट यहाँ पर क्या हो सकता है कल के डेट में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है ओके एक परसेंट की अगर गिरावट की मैं बात करूँ अगर गिरावट होती भी है तो हमारे पास दो सपोर्ट नजर आते हैं तीन सपोर्ट एग्जैक्टली exactly नजर आते हैं सबसे सब पहला सपोर्ट तो यही है जो इसका लो था ओके और अगर इसने लो को तोड़ा तो सपोर्ट नजर आएगा सीधे ये वाला एक सौ सड़सठ और यहाँ पर सत्रह हजार के आसपास तो ये ही सपोर्ट है और यहाँ पर, पर एक आइलैंड टाइप में बना दिया है अठारह हजार का इसे क्रॉस किया तो सीधे यहाँ पर ये जो रजिस्टेंस अठारह तीन सौ का है फिर उसके बाद अठारह छह सौ का है और इसे क्रॉस किया तो हमारा जो टारगेट आ रहे थे निफ्टी के रिवर्स के हिसाब से तो उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट

निफ्टी फिफ्टी इसके अलावा यहाँ पर निफ्टी बैंक पे भी आप ध्यान सक, दे सकते हैं कि निफ्टी बैंक किस तरीके से ट्रीट करेगा ऐसे ही निफ्टी बैंक में तेजी दिखाई देती है यहाँ पर भी डोजी बनती हुई दिखाई दी है लोग टूटता तो याद रखिए सपोर्ट ये वाला है उनतालीस हजार तीन सौ तिहत्तर का एज वेल एज एक को सपोर्ट अठा अड़तीस हजार चार सौ पचपन का है पटाई तोड़ा तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस नजर आता है उनतालीस आठ सौ अड़तीस तो हो सकता है कि ऊपर जाके थोड़ा सा नीचा है बट अगर इसके रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो याद रखिए एक तेजी होगी जो इसे सीधे इकतालीस हजार आठ सौ पचास की तरफ बैंक निफ्टी को लेके जाएगी और एज वेल एज मैंने निफ्टी आई टी में बताया है निफ्टी आईटी मुझे पॉजिटिव नजर आती है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हैमर बन गया है आई टी में वैसा है ओके बट आई अच्छा खासा ट्रीट करता हुआ दिखाई देगा निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप की बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप मैंने ऑलरेडी बता दिया था निफ्टी 50 बहुत भाग लिया है स्मॉल कैप नहीं भागा अब स्मॉल कैप की बारी है ओके okay, कब हैंडल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर टारगेट भी मैंने आपको बता दिया है वो यहाँ पर अचीव होते हुए सपोर्ट भी लिया था यही सपोर्ट लिया था हो सकता है कि अगर कल मार्केट में प्रेशर रहा तो इसमें भी थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा बट इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी साथ में है तो इसका हाई अगर निकाल दिया तो रेजिस्टेंस सीधे यहाँ पर नजर आता है एक के आसपास का सॉरी दस के आसपास का इसके अलावा निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप यहां पर आप देख सकते हैं इसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट होती है दिखाई दी बट एज कंपेयर टू अगर बात करें आ, यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है 50 ओके okay, और स्मॉल कैप और मिड कैप ऊपर दिखाई दे रहे हैं इसका हाई और लो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हाई निकालना बहुत जरूरी है अगर और हाई निकालता है तो बत्तीस हजार दो सौ छियालीस के यहाँ पर लेवल आएंगे और इसके बाद नीचे के लेवल की बात करें अगर गिरावट होती भी है तो यहाँ पर सपोर्ट तीस हजार 30, तीन सौ के आसपास का है तो यहाँ पर सपोर्ट ये है रेजिस्टेंस निकाला और रेजिस्टेंस हमें बत्तीस हजार के आसपास का नजर आता है बत्तीस हजार दो सौ बत्तीस हजार तीन सौ के आसपास का और इससे हाई निकाला तो यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा तो चीजें मुझे पॉजिटिव नजर आती है और जो अभी बीच में यहां पर डेटा आया था इंडिया जीडीपी का ओके तो वो एक काबिल तारीफ यहाँ पर डेटा था वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पूरा न्यूज था पूरा कवर किया गया था किस तरीके से यूके को पीछे छोड़ दिया है और फिफ्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बन गई है और आने वाले टाइम में यहाँ पर चार पांच कंट्रीज और हैं उन्हें यहाँ पर पीछे करना है दूसरी दूसरी यहाँ पर कंट्रीज या तीसरी कंट्रीज को एटलीस्ट बीस पच्चीस साल में यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी इंडिया और तो इंडिया का भविष्य अच्छा खासा है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर भी इसी तरीके से आप चुनिए बड़ी कंपनी तो बड़ी बनेगी स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप कंपनी में पैसा बनेगा ओके बट आपको चूज करना आना चाहिए आपने अच्छा चूज कर लिया तो आपको फिर किसी तरीके का डर नहीं है तो मिड कैप स्मॉल कैप और इसी तरीके से दूसरे फार्मा ऑटो यहाँ पर ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं वीडियो अच्छी लग जाए तो कमेंट करिएगा लाइक करिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जहाँ पर हमने दो स्टॉक से बात करी है ग्रेविटी इंडिया और मैंगलोर केमिकल जाके देख लीजिए यहाँ पर आशीष का एक शेयर में और एक शेयर में डॉली खन्ना है अच्छा नजर आता है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस